तो आज के हमारी इस क्लास में हम अपनी क्लास की शुरुआत कर रहे हैं एक टॉपिक से। तो टॉपिक है एक क्वेश्चन से। बेसिकली मुझे किसी ने नाइजीरिया से मेल भेजा हुआ है और ये जानकर आपको खुशी होगी कि मेरे नाइजीरिया में भी मेरे यूट्यूब व्यूअर्स हैं। तो नाइजीरिया से मुझे इन्होंने एक फाइल भेजा हुआ है और वो चाह रहे हैं कि एक अटैचमेंट का एक ब्राउज बटन टाइप का कुछ यहाँ बनाने जिस पे वो यहाँ पे अपनी इमेज को रख सके। जैसे कि उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है जिसमें वो एक थंबनेल शीट बनाया है जिसमें वो नेम वगैरह डालेंगे और बाकी सारी चीजें डालेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो पूरी डिटेल्स एक अलग शीट पे या किसी एक डेटा पे आ जाएगी और उसका जो फोल्डर है वो तो उसकी जो इमेज है इमेज जो है किसी एक फोल्डर में जाके एक्सपोर्ट हो जाएगी। बात समझ में आया? हेलो, हाँ जी सर। हाँ यस सर। तो इमेज एक फोल्डर में एक्सपोर्ट हो जाएगी, ये चीजें करना है, राइट? तो कैसे होगा? सबसे पहले तो यहां ब्राउज करके फाइल को लाना। सबसे पहले तो यहां ब्राउज करके उस पर्टिकुलर फाइल को लाना, ये एक चैलेंज है। तो उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो ब्राउज होना चाहिए और यहां पे उसका नीचे यहां पे पाथ आना चाहिए, ये IIS18 पे। तो चलिए इसके लिए हम VV प्रोग्रामिंग को राइट करते हैं। यहां मॉड्यूल्स में सब्जेक्ट और यहाँ पे VR फोटो करके हम माइक्रो बनाते हैं। रिकॉर्डिंग की परमिशन डिम पाथ पी एज ए स्ट्रिंग कुछ बोल रहे थे सर? रिकॉर्डिंग की परमिशन चाहिए। जितेंद्र जी को चाहिए ना? हाँ सर। आतोष नारायण जी को भी दे देता हूं। अब मैं यहां करूं कि एप्लीकेशन, ऐसे तरीके बहुत सारे हैं बट एप्लीकेशन डॉट होता है तो भूल रहा हूं, नाम याद है भूल रहा हूं। गेट ओपन फाइल नेम, समझे? अब यहां पे फाइल फिल्टर, फाइल फिल्टर मतलब कि कौन सा फाइल होगा। तो इन्वर्टेड कोमा में हमने बोल दिया। अब यहां ऑल भी कर सकते हैं, मैं बताऊंगा जल्दी। यहां पे मैं लिखता हूं ऑल और फिर स्टार डॉट स्टार, ठीक है, और फिर कॉमा में ब्रैकेट में स्टार डॉट स्टार करके हमने इसको क्लोज किया। फिल्टर इंडेक्स 1 होगा, टाइटल होगा सिलेक्ट फोटो, और यहां हम कर देंगे पी, क्या कर देंगे पी इक्वल। सर यहां पर ब्रैकेट क्लोज कर दिया गलत स्टेटमेंट। सॉरी ब्रैकेट लगाना। अब इसकी यहां पे हम क्या करेंगे, ये आपका I13, क्योंकि फाइल तो लेके आना है ना सर। रेंज यहां पे I13 डॉट वैल्यू इक्वल टू P। अब देखता हूं कि ये वर्क करता है कि नहीं करता, एक बार यहां से रन करता हूं।
हमने वो छोटा लगा दिया था, यहाँ पे आ गया ना ऑल ओपन ऑल, यहाँ ठीक है। तो यहाँ पे मैं पिक्चर में जाता हूँ और कोई भी एक पिक्चर ये ऐसा क्यों है समझ नहीं आया। अब आया ऑल फाइल्स, ठीक है, सिंटैक्स में गड़बड़ थी, 365 को सेलेक्ट करके ओपन कर दिया और आप यहां देखेंगे कि आपके सामने i13 पे चला गया, i13 के जगह पे मुझे यहां पे i19 कर देना चाहिए था, यहां मैं i19 कर देता हूं। तो अब क्या होगा, अब मैं इस माइक्रो को इस अपलोड वाले बटन पे असाइन कर देता हूं, असाइन माइक्रो से, और यहां पे इसको सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही इसको क्लिक करूंगा तो क्लिक करते ही मुझसे पूछेगा फाइल को, इमेज को, इमेज क्लिक करूंगा तो इस इमेज का पाथ यहां पे पूरा का पूरा डाल दूंगा। इसको बाद में मैं अनहाइड भी कर सकता हूं, हटा भी सकता हूं, लेकिन इसके ऊपर इमेज तो नहीं आया ना, तो इमेज ऐसे नहीं आया। इमेज लाने के लिए हमें यहां इंसर्ट के अंदर ये आपको दिख रहा होगा इमेज, इमेज एक्टिव कंट्रोल, इस पे क्लिक करना और फिर इसको यहां से इसको ड्रैग करना, राइट। अब जैसे हमने अपलोड किया, अब यहां पे हमें क्या करना है कि sheet1.image1. लोड पिक्चर, इमेज डॉट पिक्चर, हाँ पिक्चर, और इसको इक्वल में हमें करना है लोड पिक्चर, एल फॉर द लोड और ब्रैकेट ओपन, और इसमें हमें क्या देना है, पाथ हमारा पी हो जाएगा। उसके बाद यहां पे विड्थ डिजायर, लॉन्ग, हाइट, लॉन्ग दिख रहा होगा आपको, यहां पे पिक्चर का कलर कलरफुल आएगा। उसके बाद नहीं, इसको या बाकी भी डालने की जरूरत नहीं है, पी डाल के बाइकिंग को क्लोज कर देते। अब क्या होगा, अब मैं यहां से डिजाइन मोड को हटाता हूं, लोड पिक्चर पे आता हूं, अपने पिक्चर को सिलेक्ट कर एंड ओपन कर दिया। यहां पिक्चर आ तो गया बट पिक्चर सही ढंग से नहीं आया, स्ट्रेट ए नहीं हुआ। तो डिजाइन मोड को एक्टिव करें और इसको सिलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टी में चले गए और इसकी प्रॉपर्टी में यहां आपको आएगा ऑटो साइज फॉल्स रहेगा, ब्लर, इंडेड, हाइट, लॉक टू है, नॉइस पॉइंटर, पिक्चर बिटमैप होगा। बिटमैप होगा, हाइट, लॉक, नॉइस पॉइंटर, नॉइस पॉइंटर, पिक्चर, पिक्चर अलाइनमेंट, पिक्चर साइज मोड दिखता है ना, यहाँ पे मोड क्लिप आ रहा है, इसके जगह पे आप स्ट्रेस कर दीजिए, क्या कर दीजिए, स्ट्रेस। तो पिक्चर चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो वो आपके इस साइज में फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको लोड पे क्लिक करता हूं और जो पिक्चर जहां चाहिए, जैसे मुझे मान लीजिए कि ये पिक्चर चाहिए, ओपन किया तो ये पिक्चर इसमें फिट हो गया। सर कमाल की चीज, हेलो, हाँ जी सर बिल्कुल एकदम। ये मेरा बेटे का, जब मेरा बेटा एक दिन का था तब का पिक्चर,
मार्च के शाम के समय अभी इसी समय का 9 बजे के आसपास का पिक्चर 8 बजे जब गया था ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि बाकी डेटा वगैरह तो आप कर लेंगे ना राइट सर, याद होगा डेटा से समझाया था मैंने आपको जी, उस मेथड से आप सबमिट करेंगे तो डेटा एक इस सीट में आ जाएगा या बना लीजिएगा ठीक है आप यहाँ पे सर यहाँ शीट में जाएगा दूसरी तो वहां पे पिक्चर कैसे डिस्प्ले होगा? जाएगा पिक्चर एक लोकेशन पे जाएगा एक फोल्डर में okay. समझे ना पिक्चर okay, पर थोड़ी जाएगा क्या बोल रहे हैं सर वो सर वो जो पिक्चर का कोड था उसके अंदर आपने स्टार डॉट स्टार लिखा है तो वो तो कोई भी फाइल ले लेगा। आप चाहते हैं कि नहीं इसमें सिर्फ जेपीजी फाइल है, चलिए इसे वापस करते हैं, आप चाहते हैं कि जस्ट जेपीजी फाइल है तो उस केस में क्या करेंगे, चलिए उसके बारे में समझाता हूं। तो यहां पे और की जगह पे हमें यहां पे करना है जेपीजी ठीक है ना okay. और यहां पे हमें कर देना है जेपीजी और स्टार डॉट स्टार जेपीजी। तो अब क्या होगा कि जब ब्राउज आप करेंगे तो यहां पे और इसे मैं वीडियो पे आता हूं तो वीडियो फाइल यहां पे नहीं आएगी आ रही है सर। जेपीईजी तो नहीं लिखना पड़ेगा सर सारे नहीं ये तो ठीक है लेकिन ऑल फाइल कौन दिखा रहा है यहाँ मैं चेंज कर दिया। अब मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो भी यहाँ ऑल फाइल दिखा रहा है अच्छा आप लोगों को मैंने बुक भेजा है वीबी वाला मिला है सर उस बुक में अगर आप जाएंगे ना तो ये डिटेल दिया गया है एक मैं बताता हूं यहाँ पे तो लिखने का एक तरीका होता है कॉमा वगैरह चीज छूटना चाहिए और इस कोड को मैं बहुत कम यूज किया है तो कभी कभी भूल जाता हूँ सर तो इसी का इसी में चैप्टर पे आते हैं ये चैप्टर है आपका ये कस्टमर कस्टम यूजर ये कस्टम डालर बॉक्स ठीक है 399 मतलब कि 410 यूजर फॉर्म से पहले बताओ फॉर्म डायरेक्टरी ये आपका फोल्डर सिलेक्ट करने का कोड है देखिए ये आ गया सेव एज फाइल नेम मेथड और इसी के ऊपर होगा गेट ओपन फाइल नेम मेथड। गेट ओपन फाइल नेम मेथड इसमें फाइल फिल्टर के फाइल इस पे क्या होना चाहिए पहला सिलेक्ट क्या होना चाहिए ऑल यहाँ पे बटन फिक्स आ गया तो ऑल फाइल के लिए सिलेक्ट है ऑल फाइल्स और स्टार्ट कॉमा इस मेथड इस तरीके से लगाना ठीक है ना हमने गलत तरीका अपना गलत लगाया हुआ। तो अगर मैं अपने इस डेटा में आता हूं और हमने फाइल में इसे हमने ऑल फाइल कर दिया राइट स्टार्ट और स्टार्ट ये डाल दिया तो यहां पे आप जब इसको प्ले करेंगे तो यहां ऑल फाइल आपको सिलेक्ट Okay.
अब मैं यहाँ पे ऑल फाइल की जगह पे यहाँ पे हम ले लेते हैं फोटो और यहाँ पे स्टार JPG और यहाँ पे यहाँ पे JPG कर देते हैं राइट। अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो यहाँ देखिए फोटो फाइल दिख गया और यहाँ पे आपको इमेज फाइल दिख रहा है। अगर मान लीजिए वीडियो पे जाता हूँ यहाँ पे दिख रहा है, एक भी वीडियो नहीं दिख रहा है। Yes, sir. लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका आपका ये है कि आप यहाँ पे अपना मर्जी से जो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं और ये दोनों जगह पे एक्सटेंशन देना हो, एक एक्सटेंशन ब्रैकेट में होगा दूसरा एक्सटेंशन बिना ब्रैकेट का। लेकिन मुझे अगर मान लीजिए जेपीजी का जगह पे पीएनजी भी सिलेक्ट करना है, क्या सिलेक्ट करना है, पीएनजी, तो ये फाइल होती है ना। तो यहाँ देखिए इस तरह से कॉनकटा नेट या कॉमा लगा के ऊपर से जैसे लोटस फाइल आपको दिख रहा होगा ना, तो मैं एक बार और इसी को कॉपी करता हूं और इसमें इन्वर्टेड कॉमा जो आपने दिखाया है आप कॉन्ग्रेंट लगा सकते हैं तो ज्यादा हाईलाइट हो तो, या फिर आप यही पे कॉमा लगाइए और यहाँ पे आप पेस्ट कर, यहाँ पेस्ट कर दिया तो यहाँ पे ऑल फाइल के जगह पे हो जाएगा हमारा पीएनजी और यहाँ पे स्टार PNG और ये स्टार यहाँ पे PNG हो जाएगा। ठीक है, अब मैं प्ले करता हूं तो यहाँ पे आपको फोटो फाइल ही आएगा क्योंकि इंडेक्स ने वन किया हुआ बट यहाँ PNG भी आ रहा है। अगर मैं इमेज पे जाऊं तो यहाँ ये देखिए PNG वाले फाइल हो सकते, अगर मैं यहाँ पे JPG सिलेक्ट करता हूँ तो JPG आता है और PNG सिलेक्ट करता हूँ तो PNG आता है राइट सर। अब मुझे तीसरा भी करना है इसमें तो यहाँ पे आप वापस एक कॉमा दे दीजिए और तीसरा भी जो लिखना है लिख दीजिए कि यहाँ पे और तो आपको यहाँ रन कीजिएगा तो तीनों आएगा यहाँ पे आपका फोटो अनऑल है। ठीक है सर, यस सर। अब डिफॉल्ट आपका फोटो फाइल सिलेक्ट है क्योंकि हमने यहाँ पे वन दिया हुआ है, अगर इस वन को टू कर दूं तो अब आपका डिफॉल्ट पीएनजी सिलेक्ट हो गया और जिस फाइल को सिलेक्ट करेंगे उस फाइल का पीएनजी से आप निकलता है क्या, इन मेल पिछा ये पीएनजी सेलेक्ट नहीं करता है सर, माफ कीजिए ये आपका पीएनजी सेलेक्ट नहीं करता तो आपको फोटो फाइल ही देना जेपीजी सिस्टम ओके ओके सर। अब बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो आप कर लीजिए, अब बात करते हैं फोटो कैसे कॉपी होगा कि एक फाइल से दूसरे फाइल पे फोटो जाएगा कैसे राइट। तो उसके लिए सब्जेक्ट यहां लिखते हैं, मान लीजिए कि मुझे अपने यहाँ पे एक सीट से दूसरे सीट पे इसको कॉपी करना, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर पे, जैसे मान लीजिए जो फोल्डर है जो हम सिलेक्ट करेंगे उसमें से उठा के मुझे यहाँ रिसीप्ट के अंदर एक नया फोल्डर मैं बना देता हूँ पी के नाम से, इसके अंदर पेस्ट करना समझे। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपका एक कोड होता है वो होता है फाइल कॉपी। अब यहां पे आपको देना है सोर्स, तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन, तो सोर्स कौन सा है हमारा ये और डेस्टिनेशन, अब नाम क्या देना चाहते हैं, इसमें नाम तो देना पड़ेगा ना क्योंकि इसमें तो जस्ट ये है फोल्डर का नेम ही है, तो नाम आप ये दे सकते हैं जो हमारा आईडी है ना यहाँ पे स्टूडेंट आईडी मतलब कि E6 की वैल्यू, तो यहाँ पे रेंज E6 डॉट वैल्यू और उसके साथ ऐड हो जाएगा डॉट JPG ओके समझ गए, यस सर।
अब जैसे मैं अगर हम फाइल कॉपी है हमारा, तो अब सबमिट पे यहाँ पे मान लीजिए स्टूडेंट नंबर वन कर देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ रन करता हूँ इसको, तो आप देखेंगे आ गया 1.jpg। समझे सर? यस सर। तो इस तरह से आप कॉपी भी करवा सकते हैं, ठीक है? यस सर। फाइल में आप लोगों को ये फाइल में आप सभी आदमी को भेज रहा हूं, इस फाइल को आप लोग पूरा कीजिए, पूरा कीजिए इन सेंस कि जो नंबर वगैरह आता है वो यहां पे आपको करना है, ठीक है? यस सर। और यहां आगे से मैं बताऊंगा कि उसकी पिक्चर को कॉपी कैसे करें, यहां हमारे सेल के ऊपर कॉपी करना है, यहां पे कैसे कॉपी करें। इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है? ओके सर। तो मिलते हैं और ये फाइल मैं आप लोगों को भेज देता हूँ पहले। आज आपने सीखा ब्राउज बटन बनाना, क्या सीखा? ब्राउज बटन बनाना, और एक्सेल में ब्राउज बटन के जरिए पिक्चर को कैसे लोड करना है, और किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में कॉपी पेस्ट कैसे करना है, ठीक है सर? यस सर। यस सर। काम ये बताया, काम की चीजें बताइए ना आपको। हाँ यस सर। जितेंद्र जी आपकी ईमेल आई डी कौन सी है? वही है 66। सत्या ही हो गए, पूरा करके प्लीज भेज दीजिएगा, क्योंकि मुझे फिर उसको भेजना भी है, आपके भरोसे बैठे हैं। यस सर। नाइजीरिया से किसी ने मदद मांगा है, हालांकि वहां से बच्चे पढ़ेंगे तो नहीं, मेरे क्लास तो ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि वहां की करेंसी और यहाँ करेंसी में बहुत डिफरेंस है। मेरी 15,000 की फीस वहां पे तकरीबन 1,75,000 रुपए होती है, ए जो वहां का जो नाइजीरियन दिनार होता है वो इतना पैसा थोड़ी खर्च करेगा एक्चुअली पढ़ने के लिए। ओके मिलते हैं कल सेम टाइम। सर मैंने एक क्वेश्चन किया था सर, वो हुआ सर। किसने क्वेश्चन किया था? महताब सर। हाँ महताब सर, क्या क्वेश्चन किया था? वो जो अपडेट हो करके वो दूसरे शीट में जो था जाना चाहिए था। क्या क्या? एक फाइल भेजा था मैंने सर, कि जो ऑटोमेटिक वो अपडेट होता है और वो दूसरे शीट पे रिकॉर्ड होना चाहिए था, वो लास्ट वीक में ही दिया था। हाँ मुझे याद है, ईमेल पर है ना वो। माफ कीजिएगा मैं दो बार में चेक नहीं कर पाया ना, वो तो मैं कोड बना दूंगा लेकिन टेस्टिंग नहीं कर पाऊंगा, मैं कल श्योर टेस्ट करूंगा, मुझे एक बार दो बार में याद दिला। ओके चलिए ठीक है। 10 बजे हमारा वीबीए का एक बैच है, तो मैं उस पे इसको इवेंट इसको ट्राई कर दूंगा। ओके सर, ठीक है ना? ओके बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।